Good morning. My name is Shiv Nandan Chaudhary, PGT Biology in Sanskriti Senior Secondary Public School Baldev. From today, we start online biology classes. Our first chapter is Reproduction in Organism. And the first topic is lifespan. What is lifespan? Lifespan is the time period from birth to natural death. Janam se lekar uski mrityu tak. Kisi organism पैदा हुआ और वह कब मरा, नेचुरली कब मरा, तो उसकी लाइफ स्पान कहलाती है। वो जो टाइम पीरियड जो होता है वो उसका लाइफ स्पान कहलाता है। अच्छा, बात करते हैं अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट स्पीसी की, उनकी लाइफ स्पान कितनी होती है। एलिफेंट 60-70 ईयर्स, रोज 5-7 ईयर्स, डॉग 15-20 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काउ 20-25 ईयर्स, हॉर्स 40 years, fruit fly 30 days, rice plant 4 months, banana tree 200-300 years, crow 15 years, parrot 140 years. यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि crow and parrot, इनका जो दोनों का साइज जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ स्पान में देर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन लाइफ स्पान ऑफ क्रॉ एंड पैरट। इसकी लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा अंतर है। क्रॉ मात्र, कौआ मात्र 15-15 साल जीता है और पैरट 140 साल जीता है। इसका मतलब ये है कि किसी लाइफ स्पान किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करती है, पहली बात। दूसरी वाली बात, लाइफ स्पान समझ में आ गई होगी आपके, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसका जीवन काल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है उसकी, अब कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान कहेंगे कि इतनी है। लेकिन स्पीसीज की लाइफ स्पान के लिए हम एवरेज लाइफ स्पान लेते हैं। जैसे ह्यूमन की लाइफ स्पान बायोलॉजिकली रूप से जो मानी गई है वो 100 ईयर्स है, तो 100 ईयर्स ह्यूमन स्पीसी की लाइफ स्पान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरी वाली बात है कि जो दुनिया में ऑर्गेनिज्म आया है वो ऊपर जाता है, डेथ होती है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम की नेचुरल डेथ नहीं होती है, तो बायोलॉजिकली रूप से दे आर इमोर्टल, वो अमर हैं बायोलॉजिकली रूप से। ये लाइफ स्पान थी हमारी, और देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पान। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड फेज इज सेनेसेंट, सेनेसेंट फेज। ऑर्गेनिज्म आता है और ये तीन फेज में अपनी लाइफ स्पान को कंप्लीट करता है, तो देयर आर थ्री फेजेस ऑफ लाइफ स्पान। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, ये फेज जो है ये ग्रोइंग फेज होता है, रैपिड ग्रो होती है इसमें, यानी कि जन्म से लेकर बड़े होने तक का जो समय होता है वो हमारा जुवेनाइल फेज में आता है। प्लांट्स में हम इसे वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, हम इसको दूसरा नाम मैच्योरिटी फेज के नाम से भी जानते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली रूप से एबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। थर्ड इज सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज का मतलब होता है बुढ़ापा, अब उसके बॉडी ऑर्गन्स उतनी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाता है, और ये फाइनली जो स्टेज होती है सेनेसेंट फेज की वो होती है डेथ, सेनेसेंट फाइनली लीड टू डेथ। तो ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक पूरा हो गया है लाइफ स्पान का। आपने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पान देखी, दो चीज देखा इसमें कि लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करती है, दूसरी वाली बात के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकली रूप से इमोर्टल माना गया है, और इसकी आपने थ्री फेज
देखिए तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू।